हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा। जैसे कि आज 19 नवंबर है, हम में से कुछ लोग इसको जानते हैं एक इस सदी के सबसे बड़े लूनर एक्लिप्स के रूप में, जो कि 580 साल के बाद आ रहा है। एक चंद लूनर एक्लिप्स जो 6 घंटे का बहुत ही भारी ग्रहण है। कोई जानता है इसको गुरु नानक जयंती के रूप में, क्योंकि डेफिनेटली एक बहुत ही धार्मिक पर्व है गुरु नानक जयंती, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ हमारे देश भर में मनाया जाता है, और कार्तिक पूर्णिमा। सो सब लोग अलग अलग मान्यताओं के साथ आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट वॉट फॉर द ह्यूमन कलेक्टिव, स्पेशली दोज इन द ट्विन फ्लेम जर्नी और स्पिरिचुअल जर्नी, हमारे लिए आज के दिन का महत्व फॉर द फास्टेस्ट असेंशन, हाउ वी कैन स्पीड अप आर असेंशन। ओके, सो फास्ट असेंशन के रूप में हमारा ये दिन माना जाता है। सो वॉट इज द इम्पॉर्टेंस, वॉट इज द चैनलिंग फॉर द ह्यूमन कलेक्टिव, वाई आई एम सीइंग फास्टेस्ट असेंशन। सी दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि जब फुल मून न्यू मून पे हमारे अंदर की जो सप्रेस इमोशन रिलीज होते हैं, वो एक अपने अपने ही लेवल पे, अपनी इंटेंसिटी पे आपके सरफेस में आते हैं। आप पर्ज आउट करते हो, आप थोड़े से लाइक एंजाइटी सी कुछ सेंसेशन सा फील करते हो, और जैसे आपके फुल मून न्यू मून चले जाते हैं, आपको एक डाउनलोड मिलता है कि यस, मुझे अपनी लाइफ में ये चेंज लेके आना है। बट ये जो इस बार का लूनर एक्लिप्स है, डेफिनेटली सेम प्रोसेस है, सेम आपकी जो अंदर की जो सप्रेस इमोशंस हैं वो सिर्फ रिलीज ही नहीं होंगे, कुछ चीज़ें नीचे से ऊपर आएंगी, कुछ चीज़ें ऊपर से नीचे आएंगी, बस ये फ़र्क है। लाइक आपके अंदर के जो सप्रेस इमोशंस हैं, जो आप मेडिटेशन में अपने रिलीज़ कर रहे हो, या बच्ची कुछ और भी जो चीज़ें हैं वो आपको रिलीज़ करना है, उनकी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उसकी शेकिंग ज़्यादा होगी। मे बी कि आपको हेड एक्स हो, मे बी आपको अलग अलग सिम्टम्स जो बहुत सारे होते हैं वो आपको फील कर सकते हैं, जो बिगनर्स हैं, जो किसी को कम होगा, किसी को नहीं भी हो सकता है, बट हल्का फुल्का उनको भी होगा जो कि बहुत ऊपर डायमेंशन में आ चुके हैं, उनको फील होगा एज देयर डाउनलोड्स। कि कुछ चीज़ें इस वक्त ऊपर से नीचे भी आएंगी, मे बी कि आप क्राउन चक्रा में बहुत गर्म फील करोगे, अपने किसी स्पेसिफिक चक्रा पे आपको कुछ ऐसे लाइक सेंसेशन फील हो सकती है, क्राउन थ्रोट समवेयर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे, नॉट इवन क्राउन, आपके हेड पे, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन कहीं पर भी किसी स्पेसिफिक नर्व पे आपको एक ऐसा लाइक ऐसा सेंसेशन फील होगा, जैसे कि कोई कुछ लाइक कोई कुछ नॉक कर रहा है, उस पर हिट कर रहा है मे बी, एंड देन यू विल टच पैल्पेबली, आपको वॉर्म ऐसे फील होगा, फीलिंग होगी, एंड देन आफ्टर सम टाइम यू विल रिसीव सम एज समथिंग सम डाउनलोड्स। ओके, सो ओवरऑल ये हम लोग के संग ये हम लोग फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बिकॉज फॉर अस दिस इज़ द टाइम फॉर स्पीड अप योर असेंशन। तो बहुत जल्दी चीज़ें बाहर रिलीज होंगी और बहुत सारी चीज़ें अंदर आएंगी, एंड दैट विल हेल्प यू इन द स्पीड अप ऑफ योर असेंशन। पर इस वक्त यूनिवर्स एग्जैक्टली आपसे क्या चाहता है कि वो चीज़ आपकी, इस बार आपको एक टॉपिक दिया गया है दैट नीड टू बी रिलीज फॉर श्योर। आई एम 101%, ये मेरी चैनलिंग है, ये मुझे आदेश है जो मैं बताना चाहती हूँ कि इस बार जो आप लोगों से यूनिवर्स क्या रिलीज करवाना चाहता है। दो या तीन चीज़ें हैं जिनको मैं बताऊंगी, एंड आपको एज अ होमवर्क, एज अ सिलेबस ऑफ दिस लूनर एक्लिप्स उसे करना है। पहली चीज़ है, एंड यस दिस इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन, देखिए आपको पहली चीज़ है कि आपको अपनी हायर सेल्फ से अलाइन होना है। ये एक कंपल्सरी टास्क मेरे द्वारा
आपको दिया जा रहा है. यू हैव टू अलाइन विद योर हायर सेल्फ. अब हायर सेल्फ से अलाइन क्यों होना है? क्योंकि अगर आप अपनी ही हायर सेल्फ से अलाइन नहीं हो पाएंगे तो आप डिवाइन से अलाइन कैसे हो पाएंगे, राइट? इट्स नॉट अ वन शॉर्ट वे टू लोग कहते हैं डिवाइन से अलाइन कैसे हुए. जब तक आपकी आत्मा में प्योरिटी नहीं आएगी, आप अपनी ही हायर सेल्फ से अलाइन नहीं हो पाओगे, तो आप डिवाइन से अलाइन कैसे होगे? और आपकी आत्मा में प्योरिटी कैसे आएगी? सेकेंड पॉइंट, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ क्यों नहीं सुन पाते हो? क्योंकि उसके ऊपर इतनी सारी लेयर्स हैं, इतनी सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, और वो सारी इम्प्योरिटीज़ का बस एक ही नाम है, ईगो. सेकेंड पॉइंट इज़ यूनिवर्स वॉन्ट यू टू लाइक अपने उस ईगो को शैटर कर दीजिए दिस इन दिस लूनर एक्लिप्स. बहुत लोग होते हैं उनको बहुत ही भारी भारी ईगो होते हैं. किसी को ईगो होता है पर पता नहीं चलता है. देखिए, ईगो कवर्स एवरीथिंग. देखिए, जब ईगो की डेथ होती है तो उसके बाद कोई डिमांड्स नहीं होती है लाइफ से, कोई कंप्लेंट्स नहीं होती है, कोई ग्रीडीनेस नहीं होती है, कोई जजिंग नहीं होती है, कोई कंप्लेनिंग नहीं होती है, ठीक है? अब पहले हम ईगो की डेथ कैसे करें. दिस इज द टास्क प्रोवाइडेड यू बाय यूनिवर्स, स्ट्रेट फ्रॉम यूनिवर्स. आप ये समझिए, आपके अंदर सपोज इस वक्त डाउनलोड्स आ रहे हैं, बहुत अलग अलग प्रकार की एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है? यू आर फीलिंग ब्राउन इन योर वार्म इन योर क्राउन चक्रा, यू आर फीलिंग पेन इन योर थ्रोट चक्रा, यू आर फीलिंग पेन इन योर अदर लोअर चक्राज. क्या आप उसको रोक सकते हो? इंसान किसी भी पल, आपको कोई भी बीमारी हो सकती है, आप बहुत बड़े मल्टी मिलेनियर हो, बट कोई बीमारी कब आपके अंदर आ जाए, क्या आप रोक सकते हो? बड़े से बड़े हीरो, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन, बड़े से बड़ा गैंगस्टर की भी डेथ हो जाती है, क्या वो रोक सकता है? जब आप ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें रोक नहीं सकते, एनी डिजीज कैन एंटर इन योर फिजिकल बॉडी, यू कैन कांट स्किप योर डेथ, यू कांट इवन ब्लॉक और स्टॉप द एनर्जीज एंटरिंग इन योर बॉडी, कॉस्मिक एनर्जीज, यू इवन यू कांट हैंडल द नेगेटिविटी, तो आपकी औकात क्या है? और अगर ये बात हमें समझ में आ जाए कि एक नेगेटिविटी, एक छोटी सी नेगेटिविटी बड़ी आसानी से मुझे हाईजैक कर लेती है मेरे माइंड को, तो मेरी औकात क्या है? किस बात का ईगो, राइट? एक छोटी सी कॉस्मिक एनर्जी आपके क्राउन से घुस रही है एंड यू, आप में दम नहीं है कि आप उसको रोक सको, तो कैसे, किस बात का ईगो आप? आपकी ब्यूटी का, आपके पैसों का, कि आपकी पोस्ट का या आपका स्टेटस का, सब बेकार है. जिन चीज़ों को आपका 3D पर जिन चीज़ों को आप देख सकते हो, आपका बल, आपकी पावर सिर्फ उस चीज़ में है, पर जो आप देख नहीं सकते उस पर आपका कोई प्रेशर नहीं है, तो फिर किस बात का ईगो, ठीक है? इसी से थर्ड पॉइंट आता है, फ्री विल. यूनिवर्स ने आपको फ्री विल दिया है, इस प्लैनेट में फ्री विल दिया है. बहुत आसानी से आप लोग कह देते हो, मैं ये जर्नी छोड़ रही हूँ, मुझे नहीं चलना इस स्पिरिचुअल जर्नी में. आई हैव फ्री विल. और ये फ्री विल प्लैनेट है. आप चाहो तो किसी से प्यार करो, आप चाहो तो किसी का भी मर्डर कर दो, यू कैन डू एनीथिंग. चाहो तो आप बहुत मेहनत करके कमाओ, चाहो तो आप चोरी करके कमाओ. यू हैव एनी, यू कैन रेप एनीवन, यू कैन लाइक डोनेट टू समवन. आप अच्छा काम भी कर सकते हो, आप गलत काम भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, यू हैव द फ्री विल. बट टेल मी, अगर ये फ्री विल भगवान ने आपको आपके ऑटो नर्वस सिस्टम में दी होती, तो आप लोग क्या कर देते अपने शरीर का? जब आपको फ्री विल दी तो आपने प्लैनेट को बर्बाद कर दिया. अगर आपके बॉडी में ऑटो नर्वस सिस्टम नहीं होता, एक जो वॉलंटरी जो फिजिकली प्रोसेस नहीं होती,
तो आप तो अपनी बॉडी को चला ही नहीं पाते, आई डोंट नो आप सर्वाइव भी कर पाते कि नहीं। मेरा हार्ट में 3 घंटे मेरा हार्ट आराम चला चल चुका है, बस 15 मिनट में अपने हार्ट को आराम दे देती हूँ गए काम से। सो भगवान ने वो चीज़ें कभी आपके हाथ में नहीं दी, क्योंकि जिसको आपके संभालने की औकात नहीं है। अगर आपके इंटरनल बॉडी डाइजेशन प्रोसेस एंड आपके पूरे लिवर, आपके हर ऑर्गन को, किडनी को चलाने का, इंटेस्टाइन, आपके लंग्स, आपके हार्ट, एवरीथिंग चलाने का, अगर आपको ये चार्ज दे दिया जाता तो आप तो कब का फ्री विल के आधार पर अपनी बॉडी को समाप्त कर देते, बर्बाद कर देते, नाश कर देते। जबकि आप थोड़ा बहुत करते भी हो गलत डाइट से, गलत लाइफस्टाइल से, बट फिर भी चार्ज भगवान ने अपने हाथ में लिया, क्योंकि इनको पता है कि ये चार्ज अगर आप लोग के हाथ में दे दिया तो इस अर्थ प्लैनेट की तरह आपका शरीर भी खत्म हो जाएगा और वो पर्पस आप पूरा नहीं कर पाओगे जिस पर्पस के लिए आपको भेजा गया है। सो थर्ड थिंग इज फोकस इन योर पर्पस। तो जब आपकी आपका ईगो जब खत्म होगा, then you will not going to judge anything, you are not going to complain anything, you are not greedy. For example, हर इंसान greedy है, हर इंसान अपने level पर greedy है या गलत काम कर रहा है। For example, politicians, वो पैसों के लिए देश को बेच रहे हैं। Artists, actors, कलाकार, वो पैसों के लिए जो उनको प्रोजेक्ट मिलता है वो उस पर काम करते हैं। हाउ कैन आई ब्लेम। हम जो मार्केटिंग में होते हैं वो अपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए हम भी उसको बेस्ट दिखाते हैं। एवरीवन इज डूइंग मार्केटिंग एट देयर लेवल। हम किसको ब्लेम करें? वी कांट ब्लेम पॉलिटिशियंस, वी कांट ब्लेम एक्टर्स, वी कांट ब्लेम एनीवन। हर कोई अपने लेवल पे अपने प्रोडक्ट को सेल करके उसको बेटर दिखा के पैसा कमाना चाहता है। तो ओवरऑल एवरीवन, एवरी स्टेज ऑफ, ठीक है आप एक छोटे, आपका जो स्टेटस है वो कम है, एक्टर्स का आपसे थोड़ा ज्यादा है, पॉलिटिशियंस का और ज्यादा है, ठीक है, स्टेटस सबका अलग अलग है, ठीक है, बट ग्रीडी हर कोई है। तो हम किसको ब्लेम करें? सो नो कंप्लेंट, नो जजिंग टू एनीवन। हम किसी पे उंगली उठा नहीं सकते। तो हमको थर्ड पॉइंट यही है कि हमको अपने लेवल पे अपने पे काम करना है, अपने ईगो की डेथ करनी है, अपने अपनी हायर सेल्फ से अलाइन होके डिवाइन से अलाइन होना है। और जब ये तीन प्रोसेस आप पूरी कर लेते हो, नो वन कैन स्टॉप योर असेंशन, यू कैन स्पीड अप योर असेंशन, यू कैन हैव अ फास्ट असेंशन प्रोसेस। एंड ऑफ कोर्स मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू विच हेल्प यू टू कनेक्ट विद द डिवाइन। डिवाइन खुद आपको सपोर्ट करता है अंदर से। मेडिटेशन मतलब ये नहीं होता है कि आग बंद करके हम अपने कुछ स्पिरिचुअल पावर्स अपने अंदर गेन कर रहे हैं, हमको ये भी एहसास पता चल जाए, हम वो भी मैनिफेस्ट कर लें। मेडिटेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। ये तो 3D डिज़ायर है। फिर हम हर जगह पर हम 3D लगा देते हैं अपना कि मेडिटेशन करेंगे तो हमें ये पावर्स मिलेगी, वी कैन मैनिफेस्ट एनी थिंग। मैनिफेस्ट भी क्या कर रहे हो? पैसा, 3D की डिज़ायर्स। तो फिर आपने क्या मेडिटेशन किया? मेडिटेशन मीन्स ट्रांस में जाके अपने भगवान से जुड़ना, उनके मैसेजेस को समझना, अपने मैसेजेस को उनको देना, उनके मैसेजेस को लेना और उसको अपने जीवन में उतारना, इस मेडिटेशन। मेडिटेशन इज अ प्रेयर, मेडिटेशन इज अ कम्युनिकेशन विद योर गॉड एंड बिकम पीसफुल। आपको अल्टीमेटली आपकी हायर सेल्फ से आप अलाइन तब होगे जब आप बिल्कुल पीसफुल हो जाओगे। आप एक ऑब्सेशन से एक अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ जाओगे। आप एक लाइफ में एवरीथिंग इज कम्प्लीटली फाइन की एनर्जी में आ जाओगे। देयर इज नो जजमेंट फॉर एनीवन, बिल्कुल एक्सेप्टेंस की मोड में, नो ब्लेमिंग फॉर योर DM, नो ब्लेमिंग फॉर अदर्स, एवरीथिंग इज फाइन बिकॉज वी नो एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, एवरीथिंग इज ड्रामा।
हर चीज़ हमारे ग्रोथ के लिए, हमारी लेसन लर्निंग के लिए हो रही है. सो नेवर ब्लेम एनी वन, नेवर जज एनी वन, नो कंप्लेन टू एनी वन, नो वन इज बैड. सारा का सारा ड्रामा हमारे सामने जो भी हो रहा है, इज ऑल स्क्रिप्टेड फॉर योर हाईएस्ट गुड, आपकी लेसन लर्निंग, आपको इवॉल्व करने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, दैट्स इट. और जब आप हाईएस्ट डायमेंशन में आते हो तो आपके लिए हर चीज के आगे आपका बस एक ही वर्ड होता है, इट इज कंप्लीटली फाइन. इफ समवन इज बॉदरिंग यू, इट्स ओके. इफ समवन इज नॉट बॉदरिंग यू, इट्स कंप्लीटली फाइन. आई वॉन्ट टू बॉदर समवन, ओके. इफ आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर समवन, इट्स कंप्लीटली फाइन. बट टू रीच दैट लेवल यू हैव टू शैटर योर ईगो कंप्लीटली. और वो ईगो तब शटर होगा जब आप उस इस पर काम करोगे. देन ओनली यू विल अलाइन टू योर हायर सेल्फ एंड यू विल डेफिनेटली अलाइन टू योर डिवाइन. फिर आपकी आपकी इस जर्नी को कौन रोक सकता है? आपकी एनर्जी इस कदर चेंज हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशन इस कदर हाई हो जाएगी कि आपका पर्सन मैग्नेट की तरह आपके पास आएगा. यू कैन मैग्नेटाइज योर ट्विन. बट लोगों को फेथ ही नहीं है, वो कभी आएगा नहीं. लोग कहते हैं यूनियन होता ही नहीं, वो कभी आएगा नहीं. क्यों नहीं आएगा? इफ़ यू कांट चेंज योर वाइब्रेशन, डेफिनेटली ही विल नॉट कम. बट इफ़ यू विल चेंज योर वाइब्रेशन, यू विल रीच टू दैट डायमेंशन, योर फ्रीक्वेंसी, योर वाइब्रेशन, वेयर यू आर इन द स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस, यू आर अलाइन टू डिवाइन, यू विल मैग्नेटाइज योर ट्विन. राइट. अब थोड़ी बात कर लेते हैं हमारे गैलेक्टिक फेडरेशन की. आज के दिन क्योंकि मून पे एक प्रकार से स्पिरिचुअल वॉर चल रही है, तो बहुत ज़्यादा आपको हाई एनर्जी की वेव्स रिसीव होंगी. सो दैट टाइम इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग उस टाइम पे मेडिटेशन करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, ताकि कोई भी सेंसेशन हमको ट्रिगर करके कोई हमसे बवाल ना करवा दे. राइट. तो सच वेव्स यू कैन रिसीव. सो आपको सिर्फ दैट्स द रीज़न मैं ये वीडियो बहुत मॉर्निंग में बना रही हूँ, सो दैट यू विल बी अवेयर. जस्ट सिंपली जो ऊपर के पॉइंट्स बताए हैं उस पर काम करिए, सिस्टमेटिक इनर वर्क करिए. राइट. अपनी एनर्जी को सेव करिए, अपनी वाइब्स को रेज करने की कोशिश करिए बाय द प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस एंड एवरीथिंग, एंड डेफिनेटली विद द डोनेशंस. ओके. सो जिससे कि आप जब डोनेशन देते हैं तो अगेन हमारा ईगो डेथ होता है. ठीक है. जो हमारा दिल छोटा होता है किसी देने के लिए, हमें बड़ा कॉन्स्ट्रक्ट कर लेते हैं, वो उस दिल को हम एक्सपैंड करते हैं. सी डोनेशन देना मतलब ये नहीं कि मैं दे रही हूँ. आई एम नॉट द गिवर. गिवर तो भगवान ही है. लेकिन हमने जो अपना दिल कॉन्स्ट्रक्ट कर लिया है कि यार कैसे, मतलब मैं दूंगी तो फिर मेरा कम पड़ जाएगा या मेरा नुकसान हो जाएगा या क्या फ़ायदा देने से. तो जब अपने हार्ट को कॉन्स्ट्रक्ट कर दिया है वो एक्सपैंड होता है. राइट. एंड डेफिनेटली आपके कर्मा क्लियर होते हैं. सो ऑलवेज देर इज अ साइंटिफिक रीजन, लॉजिक. जब आप कोई भी ऐसी, इवन हमारे हिंदू धर्म की कोई परंपरा को फॉलो करते हो, एज इफ द दान दक्षिणा, देर इज अ साइंटिफिक रीजन. लेकिन जब तक आपको वो समझ में नहीं आ पाएगा कि वाई आई एम डूइंग दिस, डिफिकल्ट होता है सबके लिए. ओके. सो ये तीन जो आपको ऑर्डर्स आए हैं डिवाइन से, आपको वो फॉलो करना ही करना है. आपको अपनी ईगो की डेथ करनी ही करनी है. हमें फ्री विल प्लैनेट ज़रूर है, बट हम भगवान को सरेंडर हैं. क्योंकि अगर हम फ्री विल में रहे तो हम अपनी लाइफ को बिल्कुल हेल्प कर देंगे. अगर आपके पास चॉइस है कि ठीक है मैं जर्नी पे चलूं या नहीं चलूं, तो आप अपना लाइफ का पूरा टाइम वेस्ट कर देंगे और फिर से आपको रीबर्थ करना पड़ेगा. सो यू हैव नो फ्री विल. आपने दिमाग में ये रखिए कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है ये जर्नी छोड़ने की. क्योंकि अगर मैंने अपना कहना सुन लिया तो मैं वही इस अर्थ की तरह अपने आप को बर्बाद कर लूँगी. ठीक है. एंड आपको डिवाइन से अलाइन होना है. ये आपका मकसद है, ये आपका पर्पज़ है. ठीक है. अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल.